हम उस राजनेता का राजनीतिक सफर बताने जा रहे हैं जो घाट घाट का पानी पीकर आया है। रतनलाल अहिरवार का राजनीतिक सफर भाजपा के झंडे तले शुरू हुआ था। सन 1989-1991 व 1993 के चुनाव में भी भाजपा के टिकट पर बबीना से विधानसभा पहुंचे थे। सन 1996 में भी भाजपा ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन ये चुनाव वे हार गए थे। इसके बाद उनका पार्टी से मोह भंग हो गया था। 2002 का विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़कर उन्होंने जीत हासिल की थी, जबकि 2007 के चुनाव में भी बसपा के टिकट से विधानसभा पहुंचे थे। प्रदेश में सरकार बनने पर उन्हें राज्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन साल 2015 में उन्होंने एक बार फिर पाला बदल लिया और भाजपा में शामिल हो गए थे। परंतु भाजपा में उनकी दूसरी पाली ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वे वापस बसपा में पहुंच गए थे। बसपा ने उनके बेटे रोहित रतन को मऊरानीपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था। मंगलवार को उन्होंने बसपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रतनलाल ने बताया कि बसपा में संगठन का कोई भी काम धरातल पर नहीं किया जा रहा है, ऐसे में मेरे जैसे जमीनी कार्यकर्ता अपने को पार्टी में उपेक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते बसपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अभी अपने अगले कदम का खुलासा नहीं किया, लेकिन जानकारों के अनुसार वे काफी समय से भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। भाजपा से वे महापौर के टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। जल्द ही उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा हो सकती है। रतनलाल के इस्तीफा देने पर बसपा के जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह अहिरवार ने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद से ही वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इससे बसपा ने उनसे दूरी बना रखी थी, उन्हें बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा था। रतनलाल के जाने से बसपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें। और झांसी के साथ आसपास की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद।